बलदेवगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार की दोपहर भारत सरकार की परिवार कल्याण योजना अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के बैनर तले आयोजित नसबंदी शिविर में सुबह से ही महिलाओं का आना जाना रहा। कैंप में मौजूद टीम ने दोपहर तक पंजीयन कराया, इसके बाद नसबंदी शुरू हुई। इस तरह से प्रथम वर्ष के चरण में 69 महिलाओं का नसबंदी पंजीयन किया गया। BMO सिद्धार्थ रावत ने बताया कि सर्वप्रथम सभी महिलाओं का चेकअप किया गया, इसके बाद में सभी महिलाओं की नसबंदी कराई गई। इस दौरान प्रोत्साहन के तौर पर 2 बच्चों पर ₹2,000 की प्रोत्साहन राशि भी उनके खाते में डाली गई। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण का सबसे कारगर उपाय नसबंदी ही है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। ये जो अपना भारत सरकार की परिवार कल्याण विभाग है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो हमें आदेश हुआ था, श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से, तारतम्य में हमने 13 तारीख को जिले का पहला महिला नसबंदी कैंप आयोजित किया था, जिसमें 16 महिलाओं की नसबंदी की गई थी सफलतापूर्वक। और आज पुनः उसी तारतम्य में हम लोग फिर से नसबंदी शिविर का आयोजन अपने बलदेवगढ़ जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर रहे हैं, बलदेवगढ़ ब्लॉक में, जिसमें लगभग कोशिश कर रहे हैं कि 60 का टारगेट है कि 60 महिलाओं की नसबंदी हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।